खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा से जुड़ी है, जहां पर नटराज ऑटोडेरियम में चल रहे 10 दिवसीय शीतकालीन उत्सव में आज समापन के मौके पर लोक निर्माण विभाग मंत्री और स्थानीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव शामिल हुए। इस दौरान चल रहे कौन बनेगा लखपति कार्यक्रम में दर्शकों के अनुरोध पर उन्होंने अभिषेक भार्गव के साथ हॉट सीट पर बैठकर कौन बनेगा लखपति कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने KBL के मंच से पूछे गए सवालों के सही जवाब दिए। भार्गव ने समापन के अवसर पर कहा कि ये ऑटोडोरियम का यह मंच क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने और उन्हें प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में सार्थक बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आपको देखने वाला ना हो, आपका श्रृंगार अधूरा रहता है। इसी प्रकार यह ऑटोडोरियम हाल की सार्थकता तब रहेगी जब यहां से प्रतिभाएं आगे निकलकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी। भार्गव ने मंच से प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन विक्की जैन ने किया। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी और प्रतिभागी एवं दर्शक मौजूद थे। शुरुआत में मंच से दीप जलाकर गणेश पूजन किया गया। ऑटोडेरियम से आयोजित मिस्टर एवं मिस रहली विधानसभा प्रतियोगिता में सीनियर व जूनियर वर्ग में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सेदारी निभाई। मंच से अपना परफॉर्म रैंप वर्क कैट वाक सहित मौजूद निर्णायक जजों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। समापन के मौके पर आयोजन से जुड़े सहयोगी लोगों एवं विभिन्न प्रतिभागियों को कार्यक्रम आयोजक अभिषेक भार्गव ने सम्मानित किया। गड़ाकोटा से खबर एक्सप्रेस न्यूज के लिए नीलेश दुबे। जब अविभाजित राज्य था हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक ही था, उसके मुख्यमंत्री थे मोतीलाल जी वोरा। उस समय में पहली बार विधायक बना था जब वोरा जी मुख्यमंत्री थे 1984-85 में। उनके स्वर्गवास के कारण हम सभी लोगों ने तय किया कि हम लोग अवकाश रखेंगे और कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे, और इस कारण से बीच में छुट्टी रही। लेकिन फिर भी लगातार मैं 10 दिन ही मानता हूँ, आप सभी लोगों ने अथक परिश्रम करके आयोजकों ने भी, मैं अपने आप के लिए आयोजन का माननीय मंत्री महोदय गोपाल भार्गव जी बैठे थे, कितने प्रश्न पूछे गए, कितने पैसे जीत के लिए गए इस शो से? देखिए, जनता की मांग पर, क्योंकि यह कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर वही हैं, आयोजक वही हैं, आज हमारा समापन दिवस था, इसलिए वह यहाँ पर आए थे। और समय अभाव के कारण, आज चूँकि उन्हें भोपाल जाना था, भोपाल में मीटिंग थी, तो समय अभाव के कारण लगभग 5-6 प्रश्न उनसे पूछे गए और 16,000 रुपये की इनामी राशि वो यहाँ से जीत कर गए हैं। और काफ़ी आनंद भरा रहा उनके साथ वार्तालाप। और यह प्रश्न आज ये कार्यक्रम का अंतिम आज आखिरी दिन है, और लगभग 10 दिन का हमारा यह कार्यक्रम था, जिसमें 2 दिन का अवकाश रहा स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के निधन के कारण, इसलिए 8 दिन के इस सांस्कृतिक महोत्सव का समापन।